नगर के अतिथि महोदय, परम सम्मानीय हमारी भाभी जी, आदरणीय अर्चना गुड्डू सिंह जी, हमारे भैया मोनू यादव जी, हमारी बहन रज्जू राजा जी, संगीता प्रजापति, मौसी चिरैया जी, सभी कलाकार परिवार और हमारे विशेष बुंदेलखंड में मेरे परम पूजनीय चाचा जी चंद्रभूषण जी पाठक, जिन्हें मैं अपना गुरु कहूँ या चाचा कहूँ, दोनों बातें बराबर हैं, उनसे सीखने को मिला है। और इस नगर के आदरणीय माननीय कलेक्टर महोदय साहब यहाँ पर विराजमान हैं, उनके लिए छोटे भाई का कहना है कि आप कुछ भी पापा जी का कोई भी गीत सुना दीजिए। कलेक्टर साहब और हमारे भैया विनय सब जने बैठे हैं, पापा जी का मैं एक गीत सुनाता हूँ। हालांकि यहाँ बहुत से कवि लोग, हमारे गिरजलाल जी बैठे हैं या घासीराम कुशवाहा जी जो लिख के लाए हैं श्रद्धांजलि, लेकिन अभी हम उनके नहीं गा रहे, हम केवल पापा का एक गीत सुना रहे हैं आपको, वो गीत आप सुन लो। जय हो। लोकगीत हमेशा दो अर्थ के होते, एक के नहीं होते। देखो आप, वो एक चाचा का बहुत पुराना गीत आप लोगों ने सबने सुना होगा, अगर जिसने लोकगीत सुने होंगे उसने ये गीत जरूर सुना होगा। और लोकगीत हमेशा हमें आध्यात्म की ओर ले जाता है, परमात्मा की प्राप्ति लोकगीत में संभव है। लोकगीत खराब चीज नहीं है, हमारी लोक की रीतियां बताने वाला गीत। एक जनी कह रही, आयरी बेरन हो गई जोंदैया, बेरन हो गई जोंदैया, मैं कैसी करूं, बेरन हो गई जोंदैया, मैं कैसी करूं, बेरन हो गई जोंदैया। आराम से बजाओ। इन कलाकारों को जब भी किसी के साथ भी हो, कोई कितना भी गा ले, कहो सीताराम, इस बुंदेलखंड में कोई कितना भी गा ले, लेकिन सब इनके नीचे हैं और इस बात को मानते हैं कि हम इनसे नीचे हैं। क्योंकि जनक जो होता है, जनक जो जिस चीज को पैदा कर दे, वो दुनिया में एक ही होता है, उसको वो दस नहीं हो सकते। कोई अपने नाम के आगे लिखता भी रहे कि हम जनक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जनक तो एक ही होता है। अब समझना है आप, दिन की बेरन सास न नदिया, दिन की बेरन सास न नदिया, और रात की बेरन जा जोंदैया, मैं कैसी करूं, बेरन हो गई जोंदैया। जोंदैया जोंदैया है माया, इस माया के मारे हम वो नहीं कर पाए जो हमें करने तो का, कि जैसे तैसे सजने जगाओ, जो मन मन यानी हस्बैंड, हस्बैंड की घर घर में चलती है, वो जो कहेगा वो होगा। तो हस्बैंड का जैसे तैसे ही आत्मा ने मनाओ कि महाराज जो गलत है ऐसो नहीं करने, तो सजना जैसे तैसे मानो 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 जो लोग काबो, जैसे तैसे सजने जगाओ, हाँ जैसे तैसे सजने जगाओ, जो लो जो लो जो लो, ललना पड़ो है रुबैया, मैं कैसी कर। सास मरी बहु बयानी तीन की तीन,
कहो महाराज माया से तुम तरे परे नहीं आ सका था। पहले सोचे था आदमी के ब्याह हो जा सो ब्याह हो जा, फिर कहा के लड़का हो जा सो लड़का हो जा, फिर कहा के नाती हो जाए तो कब रहो है, तो पंती हो जा हो तो जाए तो ऐसे ही बैठ हो रहा है। अब अंगार जैसे तैसे मैंने ललने सोबाओ, जैसे तैसे ललने सोबाओ, जोलो 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 बोलन लागी चिड़ैया में कैसी करो, पेरन हो गई जो मैया में कैसी करो, पेरन हो गई। बजाओ तो बजाओ तो लंबे पीस में ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारे प्यारे भाई रामकृष्ण तिवारी ढाना जिला सागर, तालियां बजाओ के लिए। पापा के बेटे समान है, उन्होंने बेटे जैसा प्रेम दिया है उनको, और वो सा परिवार सब मित्रों सहित यहाँ पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। केवल दो लाइनें कहूंगा इसलिए कि अर्चना भाभी ने अभी जो बात कही है यहाँ पे बैठ के वो याद आ गई कि देश विदेश में बुंदेली की और बुंदेलखंड का नाम भेजने वाला एक ही नाम है, परम पूजनीय पंडित देशराज जी पटेरिया। 100 रुपये हमारे मथुरा भाई साहब की तरफ से है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्यों है भाभी मैं बता दूंगा आपको कि अपने बुंदेलखंड में कोई कमी नहीं है। चाचा जी हमेशा कलाकार सरस्वती वंदना करते हैं और पंडित देशराज जी पटेरिया जब मंच पर बैठते थे तो बुंदेलखंड की वंदना सारी जिंदगी की उन्होंने। एक गीत गाते थे कौन सा, के चित्रकूट तीरथ है पावन पुनीता, जहां रहे आकर के राम लखन सीता, बुंदेलखंड में। दूसरी बात देखो खजुराहो के मंदिर है जारी, और पन्ना में निकरत है हीरा हजारी, कहना चलिए बाप फिर वही पन्ना में, चंपत को लाल छत्र साल कुल चंदा, हंस हंस के एगर बोला ले गोविंदा। महाराज छत्र साल और भगवान जुगल किशोर 12 साल, अरे संग खेले है चैया मैया, इसलिए इकी समता में को नैया, बड़े बड़े हो गए रिपुइया अपने बुंदेल खंड मैया, बड़े बड़े हो गए रिपुइया। अपने बुंदेल खंड मैया, बड़े बड़े हो गए रिपुइया, अपने बुंदेल खंड मैया, बड़े बड़े हो गए रिपुइया। जोरदार तालियां। और हमारे बीच भैया राजेश तिवारी और विनय पटेरिया जी अंगली प्रस्तुति के लिए